हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनम जी ब्लॉग पे। और अभी हम सिर्फ नहा के आए हैं, ना सिंदूर लगाए हैं, ना बिंदी लगाए हैं, ना लिपस्टिक लगाए हैं। और सबसे पहले कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और आज देखिए यहाँ पर मेरे गैया के लिए हौदी बन रहा है नया नया, क्योंकि वो बच्चा देने वाली है, तो उसके लिए बनना दादाजी यहाँ सफाई कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेरा चावल उबाल दे रहा है, आपको दिखा रहा है बैक करके। देखिए उबालना स्टार्ट हो गया है, ये दाल भी हो गई। इसको बराबर बनाएंगे और सब्जी बनाना बाकी। रोटी मैं सुबह ही बना चुकी हूँ, बच्चों के टिफिन के साथ तैयार कर चुकी हूँ रोटी। तो अभी रोटी नहीं बनाना है, बस फटाफट अब सब्जी बनाना है और खा लेना। टेस्टी सा चटनी पीसेंगे अमले का, लहसुन धनिया मिर्ची का, चलना तोड़ के ले आएंगे। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसके लिए हम ले लेना है एक कटोरा, इसमें तोड़ के ले आएंगे। तो यहाँ मेरा छोटा सा गार्डन है और यहाँ मेरे सारी सब्जी उगाई है, जैसे कि देखिए करेला, मेरा करेला बहुत तेज फरा है। यहाँ लौकी भी एक फरी हुई है, देखिए अभी ज़्यादा नहीं फरा लेकिन एक फरी हुई है। चलिए दिखाते हैं, देखिए लहसुन, आहा इसकी चटनी, यम्मी चटनी। यहाँ हम तोड़ रहे हैं कुछ लहसुन की पत्ती, ऐसे तोड़ेंगे कुछ धनिया की पत्ती। ये देखिए इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लें और यहाँ इसको हम तोड़ चुके हैं लहसुन की पत्ती। अब चल रहे हैं थोड़ी धनिया की पत्ती ले लेंगे। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। घी रही मेरी धनिया की पत्ती जो हमने लगा है अपने यहाँ दरवाजे पे, इसे हमने खुद कोरते हैं और खुद इसको हम बोते हैं, किसी का कोई हेल्प लेते नहीं है और ना ही इसमें हम कोई खाद डालते हैं। बस इसमें कीड़ा लगने वाली दवा डालते हैं ताकि कीड़ा ना लगे, कि कीड़ा लग जाता तो हमको बहुत घिनना लगता है। धनिया लहसुन मिर्चा लहसुन और ये है राई, इसको हमारे यहाँ सरसों बोला जाता है, राई नहीं बोला जाता, कुछ लोग राई भी बोलते हैं इसको। ये राई है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे डाल के टेस्टी से मसाला। और अब इसको पीस लेंगे,
और ये है हमारी गैया जिसको दाल बना के दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है यानी कि बच्चा देने वाली है, इसलिए इसको दाल दिया जा रहा है और ये जल्दी बेबी देगी। और जिस दिन ये बेबी देगी मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फाइनली यहाँ पे नाद बनना है और ये चाचा जी हैं बना रहे हैं और साथ में मम्मी जी हैं जो बनवा रही हैं। ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं। ये बन चुका है, काफ़ी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, सोच रही हूँ वीडियो के यहीं पे एंड कर दूँ, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिए क्योंकि बन के रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा और बनना है। तो आप लोग देखते रहिए, मज़े लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। गैया के लिए वीडियो बनना है तो वीडियो का, गैया के लिए हौदी बनना है यानी कि नाद, सॉरी वीडियो बोल दें, तो आप लोग इसको देखिए और जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किन किन लोगों के घर गैया है, उन लोगों के यहाँ गैया बच्चा देती है, गैया बच्चा देगी तो उसकी इनर्जी बहुत अच्छी होगी, वो हम बनाएंगे। और आप लोग देखिएगा ब्लॉग वीडियो में जाके मेरी पूरी वीदियो। इसी के साथ वीडियो हम बंद करते हैं। मेरी हौदी देखिए बन के फाइनली तैयार हो गया, कितना क्यूट बना, कितना स्वीट बना है। तो इसी के साथ फाइनली हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप लोग वीडियो को देख के इंजॉय कीजिए और कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लोग पुराने हैं उन लोग को थैंक यू। आप लोग पुराने लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट में जाकर जरूर बताएँ मेरी वीडियो कैसी है। तो बाय।